सब्सक्राइब कीजिए एयर क्रिबियन चैनल को और बाजू के बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले देख पाए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आज के न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करने वाले जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर इस तरह की एडिटिंग आप सीखना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, पूरा एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर इस चैनल पर हो नए तो सब्सक्राइब मारो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप हमारी ऐसी नई नई वीडियो सबसे पहले देख पाए। और इन सभी स्टॉक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो शुरू करते वीडियो। सबसे पहले अपने बैकग्राउंड पर हम अपनी मॉडल की PNG ऐड कर लेंगे। उसे ऐड करने के बाद सही साइज पर एडजस्ट कर लेंगे। अब सबसे पहले तो हम इसके हेयर को इरेज कर लेंगे क्योंकि उसकी जगह हम अपनी हेयर PNG लगाएंगे। इन सभी स्टॉक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से बिल्कुल इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो। हेयर को इरेज करने के बाद देख लेते बिल्कुल आप डन कर दें। बात चलते हैं कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद कलर आइज पर क्लिक करके हम कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर लेंगे। आपको जो पसंद आए वो कलर आप रखिए, मेरे को जो पसंद आ रहा है वो मैं रख रहा हूँ। बिल्कुल इस तरह से कलर सिलेक्ट करने के बाद चलते अब इरेजर पर क्लिक करेंगे। इरेजर पर क्लिक करने के बाद फेस पर से और हम स्किन पर से इसे इरेज कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से देखिए, ध्यान से कीजिए, इरेज कीजिए आप, ध्यान से देखकर आपको इरेज करना है। थोड़ा मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया इसके लिए आपको ऐसा लगे, पर आप देख लीजिए कि इस तरह से मैं इरेज कर रहा हूँ। बिल्कुल इस तरह से अब इरेज हो जाने के बाद वो आगे से डन कर ले। आप कोई सा भी कलर रख सकते हो, आप जो आपको पसंद आए वो, मेरे को जो पसंद आ रहा है वो मैं रख रहा हूँ। आपको जो पसंद कलर हो वही रखना आपको। अब जो पसंद आए वो उसे रखने के बाद ही आगे डन कर दे। डन करने के बाद हम फिर से इफेक्ट्स में जाएंगे। इफेक्ट्स में जाने के बाद आर्टिस्टिक में जाने के बाद शैडल वन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको भी हम इरेजर पर जाने के बाद फेस पर से इरेज कर लेंगे। फेस पर और जो हाथ है उस पर से हम इरेज कर लेंगे। वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर जाओ। बिल्कुल इस तरह से ध्यान से करना आपको, मैं थोड़ा आपको फास्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए बिल्कुल इस तरह से आपको इरेज करना है। अब कुछ भी छूट जाए तो आप ब्रश पर से मुझे आप ठीक भी कर सकते हो। अगर कोई कुछ इरेज हो जाए तो अब यहाँ से देख सकते हो आप कितना डार्क रखना है, कितना डार्क नहीं रखना है, जितना हो चाहे वो आप रख सकते हो। अब यहाँ से डन कर दें। डन करने के बाद हम यहाँ से भी अब डन कर देंगे। देख लीजिए बिल्कुल इस तरह, अभी आगे डन कर दें। डन करने के बाद सबसे पहले तो हम अपनी एक हेयर PNG को लगाएंगे जो हमने पहले जिक्र किया था, उसे हम बिल्कुल इस तरह मॉडल के ऊपर लगा लेंगे। आप मेरी वाली हेयर PNG जिस पे यूज़ कर सकते हो, उन सभी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एकदम फ्री में और वो फुल HD में होगी। अब जो भी ना आए, जो भी हेयर आपको डुप्लीकेट लगे, हम इसे इरेज कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह थोड़ी सेट हो जाए अपने मॉडल पर। मैं डन करने के बाद एक सबसे पहले तो चलते टूल्स में जाने के बाद एडजस्ट में जाने के बाद सबसे पहले तो हम ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे। फेस को थोड़ा ग्लो करेंगे, ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे लाइक दिस। बिल्कुल इस तरह से फिर कॉन्ट्रास्ट को, फिर हाइलाइट्स को बढ़ाएंगे, थोड़ी शेडो को कम करेंगे। अभी इरेजर पे जाने के बाद सब कुछ इन्वर्ट कर देंगे और सिर्फ हम फेस पर हम इसे पेंट कर देंगे। बिल्कुल इस तरह से
इसको तो ग्लो कर लेंगे फेस पर, और सिर्फ स्किन पर हमें करना है, जैसे कि फेस और हाथ पर। अब यहाँ से भी डन कर सकते हो आप। डन करने के बाद एक तो हम इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में जाने के बाद एफएक्स, एफएक्स में जाने के बाद एचडीआर पे हम शार्प को कम कर देंगे और फिर को बढ़ा देंगे तकरीबन 80 के आस। अब यहाँ से भी डन कर दे। अब आप यहाँ से अपनी फ़ोटो को सेव कर सकते हो और आप शेयर भी कर सकते हो बिल्कुल इस तरह। अब सेव करने के बाद इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। चलिए मिलते हैं आप दूसरी वीडियो में।